देखिए ऐसे ओवल शेप में मैं इसको बेल ली हूँ। अभी इसको बीच में से कट कर देंगे। एक पार्ट ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी अच्छा से चारों तरफ लगा देंगे ताकि इसको जब हम लोग शेप देंगे तो अच्छा से चिपक जाए। और इसको ऐसे ट्रायंगल शेप में देकर इसको अच्छा से चिपका देंगे और ऐसे हाथ में ले लेंगे। लेने के बाद हम लोग इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग को अच्छा से भरना है, अंदर में खाली नहीं छोड़ना है और बहुत ज़्यादा भी मत भर दीजिएगा, तब निकल सकता है समोसे से स्टफिंग। स्टफिंग भर चुका है, फिर इसको हम लोग ऐसे फोल्ड करके दोनों उंगलियों से अच्छा से प्रेस कर देंगे ताकि जब इसको तेल में डालेंगे तो ये खुले नहीं। ऐसे ऐसे अच्छा से हम लोग प्रेस कर लेंगे और समोसा का शेप दे देंगे। इसी तरह से बाकी के समोसे भी मैं बना लेंगी, फटाफट बना लूँगी और फिर इसको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स ऐसे मैंने सारे समोसे को शेप दे चुकी हूँ। अभी सारे समोसे को हम लोग फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, लेकिन इसका फ्लेम जो है आपको लो रखना है और तेल भी एकदम हल्का गर्म हो तभी छोड़ना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तब ज़्यादा गर्म करने से समोसे का ऊपर पोर्शन हो जाएगा गोल्डन ब्राउन लेकिन अंदर में कच्चा रह जाएगा, इसलिए एकदम लो फ्लेम में आपको धीरे धीरे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए देखिए तेल जब इतना गर्म हो तभी आप लोगों को इसमें डालना है, ज़्यादा गर्म तेल में समोसे नहीं डालना है। एक साथ मैंने पांच समोसे डाले हैं, एक दो करके मत फ्राई कीजिए, एक साथ चार पांच डालने से समोसे का टेम्परेचर ठीक रहता है। ठीक है, इसको हम लोग अभी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग समोसे को फ्राई कर लेंगे और इसको फिर धीरे धीरे उठा लेंगे और इसको सर्व करेंगे। सो देखिए फ्रेंड समोसा रेडी है, आप इसको ज़रूर एक बार टेस्ट करके देखिए और घर में बनाइए। और अगर मेरे रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे रेसिपीज़ जल्दी से आप तक पहुंच सके। थैंक यू।